बैंक का एटीएम कार्ड है सर आपका? मेरा है एसबीआई का। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अब वीडियो की स्टार्ट कर लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इसके बाद आपको सर्च करना पेटीएम कस्टमर केयर नंबर, केयर नंबर आपको टाइप करना है। मैं इस नंबर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट आ जाना है। ठीक है, आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम का कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो आपको ये नंबर नोट करना, नोट नहीं कर पाते तो इसको लॉन्ग प्रेस करना इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे कॉल का आइकन में कॉल पे क्लिक करना और आप लोग अभी कॉल पे लगा लेना, कॉल लगाना है। ठीक है, इसको हैंड फ्री कर लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लैंग्वेज पहले से सिलेक्ट किया। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का हिंदी के लिए एक, इंग्लिश के लिए दो डालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। केवाईसी से संबंधित सवालों के लिए नहीं दबाना है आपको। यूपीआई से जुड़े सवालों के लिए पैसे ऐड करने, भुगतान या पैसे भेजने से संबंधित सवालों के लिए चार दबाना है। ठीक है, एक के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर उस पर चार दबाना है। नहीं दबाना है। तीन दबाना है। ठीक है, चार के बाद तीन दबाना है। नहीं दबाना है। नहीं दबाना है। बैंक में पैसे भेजने से संबंधित प्रश्नों के लिए तीन दबाना। नहीं दबाना है। ऐड करने से संबंधित प्रश्नों के लिए चार दबाना। तीन के बाद चार दबाना। ठीक है, ग्राहक पेटीएम ऐप पर जाएं और 10,000 वॉलेट लिमिट को एक्टिवेट करने के लिए केवाईसी करें या 1,00,000 वॉलेट पहले एक पहले आपको एक दबाना, फिर चार, फिर तीन, फिर फोर। ठीक है, फिर दबाना क्या दबाना, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस इंफॉर्मेशन को दोबारा सुनने के लिए एक दबाना। नहीं दबाना है। मेन्यू में वापस जाने के लिए चार दबाना। कुछ नहीं दबाना है। मेन्यू में जाने के लिए हैश दबाना। नहीं दबाना है। एजेंट से बात करने के लिए अब नौ दबाना है। नौ दबाना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एजेंट से बात करने के लिए आपको अपना पासकोड या ओटीपी दर्ज करना होगा। पासकोड के लिए एक दबाएं, ओटीपी दर्ज करने के लिए दो दबाएं। ठीक है, तो ओटीपी दर्ज करने दो दबाना है। ठीक है, कृपया आपके मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करें। थोड़ा सा वेट करेंगे, ओटीपी अभी आता होगा। ठीक है, देख सकते हो ओटीपी मैंने डाल दिया, कस्टमर से कॉल ट्रांसफर हो रही है। जिसके लिए आपने अनुरोध किया है, ऑनलाइन कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, आपकी बात माननीय से हो रही है, मैं आपके किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम, जो मेरा पेटीएम होता है उसमें एटीएम कार्ड ऐड नहीं हो रहा है मैम। क्या तो? एटीएम कार्ड ऐड नहीं हो रहा है। एटीएम कार्ड ऐड नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो किस बैंक का एटीएम कार्ड है सर आपका? मेरा है एसबीआई का। क्या इस तरह आप लोग यहाँ पे पेटीएम के कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी पेटीएम के कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।